इसी तहत हम आपके दरमियान आए हैं। हर वीक इंशाल्लाह कोई ना कोई गैलेक्सी जूनियर कॉलेज की तरफ से उम्मत फाउंडेशन के मातहत आपके दरमियान कोई ना कोई इंशाल्लाह इस्लामिक लेक्चर आपके दरमियान रहेंगे। एक नई नई टॉपिक पर इंशाल्लाह आपके सामने वो गुफ्तगू करेंगे। आज का हमारा एक मौजू है अखलाक के ऊपर। क्या है आज का मौजू हमारा? अखलाक इतना जरूरी है और हमारे लिए वो क्यों जरूरी है? पहली बात, अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया इन्नका लअला खुलुकिन अज़ीम, बेशक ऐ महबूब हमने तुम्हारे अखलाक को बहुत बुलंद बनाया है, बहुत बुलंद अता कर दिया है। सबसे बड़े प्यारे अखलाक, सबसे बुलंद अखलाक किसके हैं? हमारे नबी मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हैं। अखलाक किसे कहते हैं? अखलाक एक व्यक्ति का नाम है, अखलाक एक बड़े मियार का नाम है, अखलाक एक एक अच्छाई का एक नाम है। अब जिस बच्चे में, जिस बच्ची में, जिस मर्द में, जिस औरत में ये अखलाक जब अच्छाई उसके अंदर दाखिल होती है तो वो बंदा यहाँ भी कामयाब होता है, वहां भी कामयाब होता है। अखलाक मीन्स है क्या? अखलाक से कहते हैं वालिदैन से कैसी बात करना है, पेरेंट्स से कैसी बात करना है, टीचर से कैसी बात करना है, हम मुसलमानों से मुलाकात करें तो मुसलमानों से कैसे मुलाकात करना है, हमारे अपने जिंदगी में जीने का, रहने का ढंग और तरीका क्या है, ये इसी चीज का नाम अखलाक है। कोई खाने की चीज नहीं है, कोई पहनने की चीज नहीं है, मगर अखलाक अपनी जिंदगी अपने किरदार में उतारने वाली चीज है। जब बंदा उस चीज को उतारता है तो बंदा आला अखलाक के मियार तक जब पहुंचता है तो अल्लाह तबारक ताला उनको इज्जत दुनिया में भी अता फरमाता है और आखिरत में भी अता फरमाता है। हजरत प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक ऐसे बुलंद थे, इतने बुलंद थे, सिर्फ मुसलमान ही तारीफ नहीं करते बल्कि उस वक्त के अरब के कुफार भी, यहूदी भी, नसरानी भी हजरत मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक की तारीफ करते थे और कहते थे कि जीने का तरीका हो तो प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लिया जाए, खाने का तरीका हो तो मोहम्मद से लिया जाए। जिंदल आदिल 99 टीवी में आपका सवाल करते हैं। आज हम मास्टरमाइंड हाई स्कूल में यहाँ पर आए हुए हैं जो कि जय फातिमा नगर में यहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर उम्मत फाउंडेशन की जानिब से यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया था मास्टरमाइंड हाई स्कूल में। जैसा यहाँ पर कुछ लड़के हैं उनसे पूछते हैं कि जो आज का प्रोग्राम कैसा रहा, अखलाक के ऊपर कितना समझ में आया और कि जो है ये प्रोग्राम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसके ताल्लुक से मालूम करते हैं। बेटा आपका नाम बताइए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम शेख अरबाज है। कौन सी क्लास में? 10th का हूँ मैं। ये आज की जो क्लास हुई है कैसा लगा आपको? अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे अखलाक की बातें सीखने को मिली। टॉपिक इंशाल्लाह ये वन वीक में एक बार जो हो रहा है वो ठीक हो रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी चलते रहे तो अच्छा रहेगा। आप मुतमईन हैं ऐसी क्लास से? अल्हम्दुलिल्लाह और भी क्लासेस में होना चाहिए इंशाल्लाह, और होना चाहिए और पूरी बात फैलना चाहिए, पूरे मुसलमानों को मालूम होना चाहिए। चलिए और भी क्लासेस ऐसे होना चाहिए और भी जो है मेरे साथ यहाँ पर लड़के हैं कि जो है इधर आओ बेटे आप, यहाँ पर मेरे साथ यहाँ पर लड़का बेटा नाम बोलो आपका। माय नेम इज गुलाम मोहम्मद अली समट। चलो कैसा दिखा आज का? अल्हम्दुलिल्लाह क्लास अच्छी चीज़। अच्छी दिखा? यस अच्छा दिखा। यस ऐसा होना चाहिए? यस हमेशा होना चाहिए वन वीक में। चलिए और कौन है मेरे साथ, और कोई आया आप लोगों में से? चलो आप आ जाओ, आ जाओ यहाँ पर एक लड़का और एक है। चलिए अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू, मेरा नाम मोहम्मद जाफर है, मैं 10th क्लास का स्टूडेंट हूँ। माशाल्लाह ये क्लास में बहुत कुछ सीखने को मिला, अच्छे अखलाक के बारे में सीखने को मिला और वीक टू वीक ये क्लास कंटिन्यू होगी, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ऐसे ही क्लास उम्र लोगों का जो है बच्चों का कहना है कि जो है ऐसे ही हर हफ्ते क्लास होते रहे और जो है लोगों में अवेयरनेस आए, इस्लाम के करीब हो जाएं और मोबाइल और शैतान के शर्ट से बचें। तो ऐसे ही जैसे आपको प्रोग्राम बताते रहेगा, आप हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।
मास्टर माइंड का यहाँ पर मेरे साथ यहाँ दोस्त सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी कुछ राय लेते हैं, उनसे भी मशवरा लेते हैं कि जो आज की जो क्लास हुई है कैसी क्लास हुई, क्या है उसके ताल्लुक से कुछ मालूम करते हैं। सर ये जो क्लास उमद फाउंडेशन से यहाँ पर कुछ हमारे हाफिज़ साहब आए हुए हैं जनाब शरीफ साहब, उन्होंने अखलाक के ऊपर बयान करे, तो आपको कैसा दिखा, बच्चों में कितना अवेयरनेस आया, कैसा लगा आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह, आज जो फाउंडेशन की तरफ से आए उमद फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मुख्तसर सा जलसा हुआ जिस पे मौलाना ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ और बच्चों को समझ में भी आया। और हम चाहते हैं कि ये जो उम्मत फाउंडेशन जो काम कर रही है ना, क़यामत तक अल्लाह ताला इनको ऐसे ही करने की तौफीक दे, ऐसे ही वक्त निकालने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को बहुत सा फ़ायदा हुआ इससे, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो इनकी तरफ से। आपके साथ तासुरात क्या है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। इट्स वेरी गुड फॉर लेजेंडेड अबाउट दैट टॉपिक ऑफ द ग्रैंड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीकली अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हमारे स्कूल के इसमें बहुत ही बेनिफिट्स है। द स्टूडेंट्स आल्सो लिसन वेरी केयरफुली एंड आवर द स्कॉलर्स हु केम हियर गिव द गुड नॉलेज टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड टू लिसन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर। मास्टर माइंड का यहाँ पर मेरे साथ यहाँ दोस्त सर यहाँ पर मौजूद है, उनसे भी कुछ राय लेते हैं, उनसे भी मशवरा लेते हैं कि जो आज की जो क्लास हुई है कैसी क्लास हुई, क्या है उसके ताल्लुक से कुछ मालूम करते हैं। सर ये जो क्लास उमद फाउंडेशन से यहाँ पर कुछ हमारे हाफिज़ साहब आए हुए हैं जनाब शरीफ साहब, उन्होंने अखलाक के ऊपर बयान करे, तो आपको कैसा दिखा, बच्चों में कितना अवेयरनेस आया, कैसा लगा आप? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी अल्हम्दुलिल्लाह आज जो फाउंडेशन की तरफ से आए उमद फाउंडेशन की तरफ से अल्हम्दुलिल्लाह छोटा मुख्तसर सा जलसा हुआ जिस पे मौलाना ने बात की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ और बच्चों को समझ में भी आया। और हम चाहते हैं कि ये जो उम्मत फाउंडेशन जो काम कर रही है ना, क़यामत तक अल्लाह ताला इनको ऐसे ही करने की तौफीक दे, ऐसे ही वक्त निकालने की तौफीक दे। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चों को बहुत सा फ़ायदा हुआ इससे, हम चाहते हैं कि और ज़्यादा इससे फ़ायदा हो इनकी तरफ से। आपके साथ तासुरात क्या है, आप बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इट्स वेरी गुड फॉर लेजेंडेड अबाउट दैट टॉपिक ऑफ द ग्रैंड मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये वीकली अगर हुआ तो बहुत अच्छी बात है, हमारे स्कूल के इसमें बहुत ही बेनिफिट्स है। द स्टूडेंट्स आल्सो लिसन वेरी केयरफुली एंड आवर द स्कॉलर्स हु केम हियर गिव द गुड नॉलेज टू अस। अल्हम्दुलिल्लाह इट्स वेरी गुड टू लिसन दैट, अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू सर।